कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बुजुर्ग घरों में कैद हो गए हैं। बच्चे तो टेलीविजन देख लेते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी खेल लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं और एक साथ बैठकर भजन भी गा लेते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए समय काटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे समय में ना तो वो शाम को और ना ही वो सुबह के समय बाहर घूम पा रहे हैं। अगर वो बाहर पार्क में निकलते भी हैं, तो उनके हमउम्र के लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। ऐसा ही नजारा अडिंग के घरों में देखने को मिला, जहां बच्चे एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन और देशभक्ति के गानों के साथ ढोल बजाते हुए और गाते हुए नजर आए। बच्चों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से वो लोग अपने घरों में कैद हैं, स्कूलों की छुट्टी है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन घर पर मन नहीं लगता। इसके चलते उन्होंने एक साथ बैठकर ढोलक के साथ भजन गाकर समय पास करना शुरू कर दिया है। लवी, अभी हम ढोलक बजा के कौन सा गीत गा रहे थे, क्या गा रहे थे? हम भगवान कृष्ण का भजन गा रहे थे। तो क्यों गा रहे थे, किस प्रकार घर में बैठ के लिए इसी प्रकार मनोरंजन करते हैं, क्या बात पढ़ाई करते? कोरोना वायरस की वजह से हमारा देश बंद हो गया है, हम थोड़ी सी पढ़ाई करके थोड़ा सा गीत मनोरंजन कर देते हैं भजन बजा गा के, और स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती है इसलिए हमारा मन लग जाता है। स्कूल की छुट्टी काफी दिनों से है। हाँ यार। अभी आप ढोलक बजा रहे थे, क्यों बजा रहे थे, किस प्रकार कौन सा गाना गा रहे थे? कोरोना वायरस की वजह से हमारा देश लॉकडाउन है, इसलिए हम पढ़ाई भी करते साथ में, और ये भगवान कृष्ण का भजन भजन गा के ऐसे टाइम पास कर लेते हैं। समय पास कर लेते हैं। स्कूल नहीं जाते, उसकी छुट्टी है? स्कूल की एक महीने से छुट्टी पड़ रही है। छुट्टी चल रही है। हाँ।